नचिकेतः प्रजानं अनंत लोकाप्तिमतो प्रतिष्ठां विद्धित्वमेतं निहितं गुहायां लोकादिमग्निं समुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा स चापि तत् प्रत्यवदत् यथोक्तम् अथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः तमब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि सूयः तवैव नामना भविताय मग्निः श्रृंकाम सेमाम अनेक रूपाम गृहाण त्रिनाचिकेतस् त्रिविरेत्य संध्यम त्रिकर्मकृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञम देवमीदियम विदित्वा निचाज्ये माम शांतिमत्यं तमेति। हे नचिकेता, हे जिज्ञासु, नचिकेता का अर्थ हे जिज्ञासु। वैसे नचिकेता अग्नि का नाम तो है, यमराज ने वरदान ही दे दिया कि तुम्हारे नाम से नचिकेतस नाम से अग्नि प्रसिद्ध होगा। परंतु नचिकेता शब्द का अर्थ एक ये भी है कि जिसकी रुचि संग्रह परिग्रह में न हो, है ना। ये चिकेत जो है ना, चिकेत चयन में जिसकी रुचि न हो, ये भी इसका अर्थ है। न तो गायों के चयन में रुचि है कि हमारे पास गाय ज्यादा रहें, और न तो जमराज जो कुछ उसको देना चाहते हैं पुत्र पौत्र धन आदि उनमें उसकी रुचि है। तो जिज्ञासु का जो शुद्ध लक्षण है वो जिसमें होवे उसको नचिकेता बोलते हैं। नचिकेता में चयन भी नहीं है और केतन भी नहीं है। केतन माने निकेतन घर, ची माने चयन और केत माने केतन घर, और केत माने केतु यश, यश की जन पता का उन्होंने यश भी तो दिया ना। तो नचिकेता उसको कहते हैं कि जिसको संग्रह में यश में और घर गृहस्थी बनाने में रुचि न होए, केवल परमात्मा को जानने में रुचि होए, उसका नाम नचिकेता है। स्वर्ग मग्निम प्रजानन ते तुभ्यं प्रब्रवीमी, मैं परम सुख परमानंद दाता अग्नि को जानकर तुम्हें बता रहा हूं, सावधान होकर इसको समझो। बात यह है कि साकारता का जहां से प्रारंभ होता है, साकारता क्या है कि पृथ्वी से बनी हुई चीजें, जल से बनी हुई चीजें और अग्नि से बनी हुई चीजें, साकारता का प्रारंभ अग्नि से ही है। वायु साकार नहीं है, स्पर्शशाली तो है,
स्पर्शशील तो है परंतु दृश्य नहीं है, रूपवान नहीं है। और आकाश जो है उसमें न रूप है न स्पर्श है। तो आकाश में तो रूप और स्पर्श दोनों नहीं है, और वायु में स्पर्श है परंतु रूप नहीं है, परंतु अग्नि में, अग्नि में आकर शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, सूरज चंद्रमा अगणित तारे सब के सब अग्नि से ही प्रकट होते हैं। तो साकार सृष्टि का प्रारंभ अग्नि से है। इसलिए यदि कोई कारण का चिंतन करता हुआ अग्निदेव तक पहुंच जाए, कारण का चिंतन करता हुआ अग्निदेव तक पहुंच जाए तो वो साकारता में जो दोष हैं उनसे मुक्त हो जाए। तो उन साकारता के दोषों से मुक्त होने की पद्धति बताते हैं। अनंत लोका तिम, अग्नि हो गए तो आग कहां रहती है? सूरज में, चंद्रमा में, तारों में, समुद्र में, पृथ्वी में, संसार की सभी वस्तुओं में ऊष्मा के रूप में अग्नि व्याप्त है। तो अग्नि के साथ तादात्म्य होते ही तुम्हें अनंत लोक की प्राप्ति हो गई। और अथो प्रतिष्ठां, साकारता का आश्रय अग्नि है इसलिए प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो गई। और वो रहती कहां है? बोले ये हृदय गुहा में, माने बुद्धिस्थ अग्नि है। बुद्धिस्थ अग्नि का अर्थ है कि अग्नि का ऐसा चिंतन करके, ऐसा ध्यान करके, कर्म और उपासना का समुच्चय करके तुम इस सद्गति को प्राप्त कर सकते हो। लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथावा सचापि तत् प्रत्यवदत् यथोक्तम् अथास्य मृत्युः पुनरेवाह तुष्टः। अब श्रुति भगवती कहती हैं कि ये जो लोक दिखाई पड़ते हैं, मनुष्य पशु पक्षी, ये जो लोग हैं, माने नर शरीर, मादा शरीर, मृत्यु लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, इनके आदि में कौन सी वस्तु है? बोले अग्नि है। तो अग्नि ब्रह्म का उपदेश, अग्नि ब्रह्म का उपदेश किया और उस अग्नि की उपासना के लिए इष्टका जो है सो भी बताया, और जावती माने जितनी है सो भी बताया, और यथा माने जिस ढंग से उनकी उपासना करनी चाहिए सो भी बताया। ये इष्टका क्या होती है? ये जब अग्नि का चयन करते हैं ना तो ईंटों का प्रयोग करना पड़ता है। वो जैसे मकान बनाते हैं तो पहले नींव में ईंट देनी पड़ती है, इष्टका न्यास बोलते हैं, शिलान्यास, सबसे नीचे का पत्थर इष्टका न्यास। वैसे अग्नि के चयन में, समझो कि अग्नि की दीवार बनानी है, अग्नि का लोक बनाना है, तो उसके मूल में इष्टका क्या है? तो कर्मकांड की एक जरा सी बात आपको सुना के फिर आगे बढ़ते हैं। 720 ईंट चुननी पड़ती है। ये ईंटों का नियम ये है कि जब यज्ञ करते हैं, अग्नि चयन करते हैं, तो उसमें 720 ईंट चुननी पड़ते हैं। तो 720 ईंट क्या हैं? कि ये 360 दिन और 360 रात्रि, ये एक संवत्सर में, एक संवत्सर में जो 360 दिन और 360 रात्रि हैं, इन्हीं संवत्सरों से फिर एक संवत्सर, दो संवत्सर, तीन संवत्सर, ये काल की गणना होती है। तो अग्नि का चयन कैसे करना? माने संपूर्ण काल में करना, माने अग्नि का जो ध्यान है ये रात्रि भी अग्नि का विलास और दिन भी अग्नि का विलास, बुद्धि में इस बात को बैठा लेना
और अग्नि ही जल के रूप में और पृथ्वी के रूप में और संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड के रूप में केवल अग्नि देव ही प्रकट हो रहे हैं। तो ये कर्म समुचित उपासना माने बुद्धि पूर्वक विचार करके और फिर कर्म के द्वारा और उपासना के द्वारा ध्यान पूर्वक कर्म करना, ये जो अग्नि विद्या है इसका उपदेश जमराज ने नचिकेता को किया। अब ये उपदेश नचिकेता ने बड़ी सावधानी से श्रवण किया, इसलिए मृत्यु देवता ये बड़े संतुष्ट हुए। तमब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नामना भवितायम् अग्निः श्रृंकाम चेमाम अनेक रूपाम गृहाण। अब तो जमदेव बड़े संतुष्ट हुए। पहले जो वर दिया तीन, वो बदले में देने को कहा। ये बात आपके ध्यान में होगी कि तीन रात तुम हमारे यहां भूखे रहे, इसलिए तीन वर देते हैं। तो वो तो बदला हो गया एक प्रकार का। अब तो उदार पुरुष जो है वो केवल बदले की वस्तु नहीं देता है, वो तो अधिक से अधिक देता है। तो प्रियमाणा हाँ प्रसन्न हो गए, बोले कि भाई ये इनके ऊपर प्रसन्न हुए हैं, कई इन्होंने इनके ऊपर गुस्सा किया है। तो ये प्रसन्नता और गुस्सा दोनों बांझ नहीं होना चाहिए, बंद फलप्रसु होने चाहिए। क्योंकि यदि गुस्सा करके कोई कुछ बिगाड़ न सकता होए तो उसका गुस्सा बांझ है, उसका क्रोध बांझ है। अच्छा, और नारायण प्रसन्न होकर कुछ दे न सकता हो तो उसकी प्रसन्नता बंध्या है, बांझ है। बंध्य प्रसाद और बंध्य क्रोध, तो ये जो है प्रिय माना अग्नि देवता प्रसन्न हुआ। अग्नि देवता के स्वरूप का उपदेश करने वाला तत्वज्ञ यमराज, यमराज वो है जिसको संपूर्ण विश्व की मृत्यु का है ना, मृत्युर्यस्योपसेचनम्, मौत की जो चटनी बना के खाता है, मौत जिसकी चटनी है, चटनी वर्णन आया जस्य ब्रह्मच क्षत्रंच उभे भवत ओदनः। कि परमात्मा कैसा, बोले ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों उसके भात हैं, भात खाने के। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय से मतलब ये है बुद्धि शक्ति, ज्ञान शक्ति और बल, क्रिया शक्ति, प्राण शक्ति। बुद्धि और प्राण दोनों जिसके भात हैं, भात बोले इसको कहो, इसको भला भात खाने के लिए तो कुछ सब्जी चाहिए ना, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए। बोले बाबा ये कोई उत्तर प्रदेश का रहने वाला नहीं है, है ना, या गुजराती नहीं है, काठियावाड़ी नहीं है, सिंधी नहीं है, ये तो सिर्फ चटनी से ही भात खाता है। तो मृत्युर्यस्यो मृत्युर्यस्योपसेचनम्, ये केवल चटनी से भात खाता है। बोले चटनी क्या है इसकी, तो मृत्यु, मृत्यु के साथ बुद्धि और प्राण की उपाधि को ये खा जाने वाली वस्तु है, माने जिसमें बुद्धि वृत्ति और क्रिया शक्ति दोनों बाधित हो जाते हैं, तत्व का वो स्वरूप है। उस तत्व को जानने वाला ये जमराज अब हुआ प्रसन्न, बोले महात्मा है, महात्मा माने उदार है। बोले अच्छा देखो, एक तुमको बर हम और देते हैं। क्या देते हैं, जब तुम्हारा यश देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं। तवैव नामना भविताम अग्नि, तुम्हारे नाम से, नाचिकेत नाम से ये अग्नि प्रसिद्ध होगा। और देखो हम तुमको एक यश देते हैं, श्रृंकाम चेमाम, जैसे लोग तमगा देते हैं ना प्रसन्न होकर के। बोले ये रत्नों का हार, अनेक रूप रत्नों का हार तुमको देते हैं। यहां रत्नों के हार से मतलब हार का नहीं है,
अकुत्सिता कर्म गति है, मन जिसमें दुख न भोगना पड़े, है ना, ऐसी लोक लोकांतर की गति हम तुमको देते हैं, तुम इसको स्वीकार करो। ये श्रृंखला शब्द जो है ये रत्नों की माला के लिए भी आता है और कर्ममयी गति के लिए भी आता है। पर देखो ये है भाष्यकारों की महिमा कि यहां जब ये श्रृंखला शब्द आया तब दी जा रही है ना श्रृंखला, तो बोले अकुत्सिता हम कर्मगति, अनिंदित कर्मगति तुमको प्राप्त हो गए। और जहां त्यागने की बात आई है, देखना दूसरी बल्ली में और तीसरे मंत्र में श्रृंखला शब्द फिर आया है, तो वहां निंदा के अर्थ में है, वहां छोड़ने के लिए आया, इस श्रृंखला को छोड़ो, है ना, तो वहां आया कि ये खराब चीज है। तो जहां आदमी कहता है कि इसको फेंक दो, समझो तुम्हारे पास कोई कपड़ा हो, तो एक आदमी ने कहा कि ये कपड़ा फाड़ के फेंक दो और ये कपड़ा पहन लो, तो जब फाड़ के फेंकने के लिए कहा तब इसका मतलब हुआ कि कपड़ा गंदा था या फटा हुआ था, पहनने लायक नहीं था, तब ने फाड़ के फेंकने के लिए कहा, और जब उसी को कहा कि इसको पहन लो तो इसका मतलब हुआ जो कपड़ा अच्छा होगा वो ना पहनने के लिए कहेगा। तो यहां श्रृंखला देने के लिए कह रहे हैं, इसलिए अच्छा इसका अर्थ हुआ, और जहां श्रृंखला छोड़ने के लिए कहा गया है तो वहां उसका अच्छा अर्थ नहीं है, वहां तो नैताम श्रृंखलाम वित्तमयी मवाप तो यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्या, तो उसमें तो लोग डूब जाते हैं। अरे बाबा नचिकेता, तुमने तो इस श्रृंखला का परित्याग कर दिया, इसमें तो बहुत से लोग डूब जाते हैं, ये तो बहुत खराब चीज है। तो ये एक ही शब्द का दो जगह दो अभिप्राय है। अब त्रिणी त्रिनाचिकेत त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत परति जन्म मृत्यु ब्रह्म यज्ञम देवमीदियम विदित्वा निचाज्ये माम सांमत्यंतमेति। त्रिनाचिकेतः, तुमने तीन बार अग्नि का चयन किया है। कहते हैं कि तीन बार कोई अग्नि का चयन कर ले तो उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो ब्रह्मलोक में जाना एक प्रकार का जुआ खेलना है, बोला वो कैसे, किसी किसी को ब्रह्मलोक में जाने पर ज्ञान हो जाता है और किसी किसी को ब्रह्मलोक में जाने पर भी ज्ञान नहीं होता। तो एक संभावना रहती है कि संभव है ब्रह्मलोक में जाने पर हमको ज्ञान हो जावे, इसलिए लोग ब्रह्मलोक में जाकर के ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो बोले भाई ज्ञान हो कि नहीं, ये तो बड़ी मुश्किल है। असल में ज्ञान के बारे में लोग तरह तरह की धारणा बना लेते हैं। एक आदमी को ऐसा वहम हो गया था, थोड़े दिनों पहले की बात है, कि जब मैं सबका साक्षी हूं तो जैसे हमें अपने मन में होने वाली बातों का पता चलता है ना, वैसे सबके मन में होने वाली बातों का पता चल जाए तब मैं साक्षी। देखो ये बात किसी किसी के मन में आती होगी, मेरे मन में तो शायद एक आध दिन आई होगी पहले, जरूर शुरू शुरू में ऐसी बात एक आध दिन दो दिन जरूर आई रही होगी। ये ख्याल बना कि जब मैं सबका साक्षी हूं तो जैसे इस मन में आई हुई सब बातें मेरे सामने होती हैं, पता लगता है उनका, वैसे सबके मन में आने वाली बातों का पता लगना चाहिए। तो एक महात्मा से मालूम हुआ कि उनको पहले चल जाता था पता, ऐसा से मालूम हुआ, सबके मन का पता था, तो फिर उनको बड़ा दुख हुआ, बड़ा दुख हुआ बाद में,
क्यों? बोले एक मन की बुराई जब वो जानते थे तब तो बहुत दुखी थे ही, अब तो वो सबके मन की बुराई जानने लगे और मन में तो बुराई बुराई ज्यादा आती है, हैं? तो बड़ा भारी विक्षेप हुआ कि लोगों का जो आता है उसका मन इतना बुरा, जो आता है मन उसका इतना बुरा, राम राम इसके मन में ये बुराई, इसके मन में ये बुराई, इसके मन में ये बुराई, है ना। और साक्षी जो है इसी से सिद्ध होता है कि साक्षी जो है वो परिच्छिन्न गोलकों से संबद्ध नहीं है। साक्षी का संबंध परिच्छिन्न गोलकों से नहीं है। तो जब साक्षी का संबंध परिच्छिन्न गोलकों से नहीं है तो कोई गोलक किन्हीं जाने अथवा किन्हीं विषयों को न जाने, उससे अखंड साक्षी का किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। दूसरों के शरीर में न जानने के साथ संबंध नहीं है और अपने शरीर में जानने के साथ भी संबंध नहीं है। जानने के साथ, क्योंकि अंतःकरणी जो है, प्रत्येक अंतःकरण में जो एक एक धर्मी छोटा छोटा अहम बैठा हुआ है, वो तो उस अंतःकरण में धर्मी है, वो तो यंत्र है, वो तो दूरबीन है, वो तो खुरदबीन लेके बैठा हुआ है, वो मशीन लेके बैठा हुआ है और अपनी सीमा के अंदर की चीजों को जानता है। और साक्षी जो है वो कोई दूरबीन कोई खुरदबीन नहीं लगाता। बोले देखो अच्छा, हम तो जानते हैं अंतःकरण की सारी बात। देखो अंतःकरण की सारी बात तुम सब जानते हो जब अंतःकरण से तादात्म्यपन्न हो जाते हो। एक अंतःकरण से तादात्म्यपन्न हो करके ही, अच्छा एक अंतःकरण से सारी बात है तुम समझ रहे हो। अब बोले कि अच्छा तो इस अंतःकरण से हमको नहीं मालूम पड़ना चाहिए। कब मालूम तो तब नहीं पड़ेगा जब ये अंतःकरण नहीं रहेगा। अच्छा तभी अंतःकरण कब नहीं रहेगा? कि जब विदेह मुक्ति हो जाएगी तब नहीं रहेगा। कि जीवन मुक्ति काल में ये अंतःकरण रहेगा और इस अंतःकरण से जो संवेदन होते हैं तब वो ज्ञात होते रहेंगे। अच्छा उनके ज्ञात होने से हमारी क्या हानि है? हानि नहीं है, क्योंकि वे बाधित हैं अपने अखंड स्वरूप के साक्षात परोक्ष ज्ञान से। वो अंतःकरण और अंतःकरण की वृत्ति और अंतःकरण के संवेदन, वे सब के सब बाधित हैं। इसलिए जैसे जिन अंतःकरणों के संवेदन तुमको ज्ञात नहीं होते, उनके साथ जितना तुम्हारा संबंध नहीं है, उतने ही उस अंतःकरण के संवेदनों से भी तुम्हारा संबंध नहीं है। कि जिनके संवेदन तुम्हें ज्ञात होते हैं, क्योंकि तुमने अपने को अखंड रूप से, अद्वय रूप से, ब्रह्म रूप से, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित रूप से, अवेश अकाल अद्रव्य रूप से तुमने अपने आप को जाना है। तुम्हारे शुद्ध ज्ञान में एक शरीर और एक शरीर में रहने वाला अंतःकरण, उसका कोई अस्तित्व तुम्हारे तत्व ज्ञान में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। और यदि वो भासता है तो भासने का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। तो तुम जो हो वो जन्म मरण से मुक्त हो, बंधन संशय विपर्जय से मुक्त हो, का तुम साक्षात ब्रह्म हो। एक दूरबीन की कितनी शक्ति है, है ना, एक दूरबीन की कितनी शक्ति है। तो जब तुम ये समझ गए, एक चींटी हाथी दिख रहा है, एक चींटी हाथी के रूप में दिख रही है चींटी, क्यों? का तुम्हारे दूरबीन के प्रभाव से। ऐसा दूरबीन तुमने लगाया कि एक चींटी हाथी के बराबर दिख रही है, तो तुमको मालूम है, मालूम हो गया कि तुम्हारा दूरबीन चींटी को हाथी दिखा रहा है। कहां मालूम हो गया? तो जो चींटी में हाथी की लंबाई चौड़ाई और हाथी का वजन और हाथी की उम्र मालूम पड़ रही है, वो गलत हुई कि नहीं? कि गलत हुई। तो बोले फिर तो हमको ये चींटी हाथी नहीं दिखना चाहिए। बोले जब तक ये दूरबीन लगाए रखोगे, ये दूरबीन का सामर्थ्य है कि तुमको चींटी हाथी के रूप में दिख रही है, है ना। तो जब तक ये दूरबीन लगा हुआ है अंतःकरण का, तब तक ये संसार के संवेदन ऐसे भासते हैं। और जब ये शरीर के साथ साथ, स्थूल शरीर के साथ साथ ये जब अंतःकरण का चश्मा उतर जाता है, तो विदेह मुक्ति काल में ये चींटी हाथी नहीं भासती। वहाँ अपना स्वरूप ये ब्रह्म अद्वय तत्व अनेक रूप में नहीं भासता। तो जीवन सद्यो मुक्ति के दो भेद हैं।
अंतःकरण सहित सद्यो मुक्ति और अंतःकरण रहित सद्यो मुक्ति। तो अंतःकरण सहित सद्यो मुक्ति को जीवन मुक्ति बोलते हैं और अंतःकरण रहित सद्यो मुक्ति को विदेह मुक्ति बोलते हैं। असल में इन दोनों का नाम ब्राह्मी स्थिति ही है। ये चतुर्थ भूमिका ये असल में अपने आप को ब्रह्म जानने का दो स्थिति शरीर की दृष्टि से कल्पित हुई है, एक अंतःकरण सहित उपाधि और एक निरुपाधि। निरुपाधि अंतःकरण में, निरुपाधि स्थिति में का अपने अंतःकरण के संवेदनों का पता नहीं चलता है और सोपाधि स्थिति में चलता है, परंतु तत्व दृष्टि से वो निरुपाधि और सोपाधि दोनों ही स्थिति बाधित हैं। असल में जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों ही कल्पित हैं। तो जिज्ञासु पुरुष जो है कब वो जो ये सोचता है कि हम ब्रह्मलोक में जाएंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे और मुक्त हो जाएंगे, वैकुंठ लोक में जाएंगे ज्ञान प्राप्त करेंगे और मुक्त हो जाएंगे नारायण, तो एक तो जो इतनी देर तक रुका रहना चाहता है कि हजारों संवत्सर तक, हजारों मन्वंतर पर्यंत, हजारों युग, हजारों मन्वंतर पर्यंत तो हम अज्ञान की दशा में रहेंगे और फिर बाद में ब्रह्मा के साथ मुक्त होंगे जो, या नारायण के लोक में जाके मुक्त होंगे। जो अपनी मुक्ति को इतनी दूर तक फेंक देना चाहता है उसमें मुमुक्षा जो है वो तीव्र नहीं है, मंद मुमुक्षा है। जो लोकांतर में जाकर के मुक्त होना चाहता है वो मंद मुमुक्षु है, तीव्र मुमुक्षु नहीं है। तो इसलिए यहाँ ये जो बात बताई, ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी यदि वासना शेष रह गई तो मुक्ति नहीं होगी। तो ये ब्रह्मलोक में जाने वाले को कैसे मुक्ति मिलती है ये बात बताते हैं कि त्रिनाचिकेतः त्रिधिरेत्य संदेम त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्म यज्ञम देवमीदियम विदित्वा निचाये माम शांतिमत्यंतमेति। कर्म की स्तुति करते हैं। यहाँ अमृतत्व जो है वो साक्षात अमृतत्व, ब्रह्म रूप अमृतत्व नहीं है। यहाँ जो शांति है वो पराशांति नहीं है, आपेक्षिक शांति है और आपेक्षिक अमृतत्व है। तो बोले तीन बार तुमने अग्नि का चयन किया, माने अग्नि का विज्ञान तुमको प्राप्त है, अग्नि का तुमने अध्ययन किया और तुमने अग्निहोत्र आदि का अनुष्ठान किया। अब जीवन में तीन से सीखने की, सीखने के तीन स्थान है। कौन से? त्रिभी संधिम एत्य, त्रिभी संधानम एत्य। संसार में मनुष्य कुछ अपनी माँ से सीखता है, ऐसा कोई नहीं है हो जो माँ से न सीखे। बच्चे को दूध पीना नहीं आता, ये नहीं समझना कि ये बच्चे जो हैं, है ना, हमने कुत्ते के बच्चों को तो देखा गौर से, बोला गांव में जब कुतिया ब्याती थी तो वो बच्चों के मुंह के पास लेट जाती थी, हो तो बच्चे अंधे, आंख खुली हुई नहीं होती, बिना खुली आंख के ही अपना मुंह उसके शरीर पर इधर उधर घुमाते हैं और जहां उसका तन मिल जाता है ना उसको मुंह में ले लेते हैं और पीना शुरू कर देते हैं। उनके अंदर तो इतनी प्राकृतिक प्रेरणा होती है, लेकिन ये जो मनुष्य का बच्चा होता है ये अपने आप माता का तन ढूंढ नहीं सकता, क्योंकि माता के तो हाथ है, कुतिया के तो हाथ नहीं था, है ना, और माता के तो हाथ है तो ये अपने हाथ से गोद में लेती है और पहले तन के सिरे पर, है ना, जो बंद होता है ना उसको वो खोल देती है, बच्चे के मुंह पर थोड़ा सा दूध मुंह में बच्चे के गिरा देती है। जब स्वाद आता है तब वो चपर चपर करने लगता है और पीने लगता है। माने माता जो है वो बच्चे को दूध पीना सिखाती है। तो इसका मतलब ये है कि शिक्षण हमें माता से प्राप्त होता है, शिक्षण हमें पिता से प्राप्त होता है और शिक्षण हमें आचार्य से प्राप्त होता है, माने गुरु से, अध्यापक से प्राप्त होता है। ये जीवन में तीनों से, आदि आदि में माता और उपनयन पर्यंत पिता और उपनयन के बाद समावर्तन पर्यंत गुरु आचार्य।
था, इनसे शिक्षा पहले प्राप्त हुआ करती थी। ये तीन शिक्षा, इन तीनों से तुमने शिक्षा प्राप्त कर ली है कि नहीं, उनसे पहले शिक्षा प्राप्त कर लेना चाहिए, पहली बात। क्योंकि ये तीनों जो हैं ये प्रामाण्य कारण हैं। प्रामाण्य कारण है, देखो माँ ने बताया कि ये तुम्हारी नाक है, ये तुम्हारे दांत हैं, ये तुम्हारे कान हैं, है ना, ये हाथ है, ये पांव है। आप बताओ आपको किस प्रमाण से ये बात मालूम हुई कि ये जो हम उठाते हैं इसका नाम हाथ है, हैं? या जिससे हम सूंघते हैं उसका नाम नाक है, ये आपको किस प्रमाण से ये बात मालूम पड़ेगी, है ना? इसका नाम नाक ना होए कान होए, और कान का नाम कान ना होए नाक होए, ये व्यवस्था आपकी बुद्धि में पहले पहल कहां से आई? माता से आई ना। अपना गोत्र आपको कहां से मालूम हुआ, अपनी जाति आपको कहां से मालूम हुई, है ना, अपना वंश परिवार कहां से मालूम हुआ, ये सब देखो ना, ये सब शिक्षा। और ये अक्षर है ना, ये अ होता है, पंचकोण अ होता है, ये क होता है, है? ये बिंदु को फैला करके कैसे अक्षर बनाए जाते हैं, है ना, ये सारा बिंदु का विस्तार है। वो एक बिंदी कागज पर लगा के उसमें किधर को लकीर खींच दें तो अक्षर हो जाएगा, बस इतनी विद्या है। ये कुल की कुल विद्या इतनी है कि एक बिंदु कागज पर बना के उसके आगे, उसके पीछे, उसके ऊपर, उसके साथ, है ना, कैसे कैसे लकीर खींच दें तो कौन कौन से अक्षर बन जाए। ये बिंदु और लकीर को, ये लकीर भी तो बिंदु ही है ना, आखिर जिसको रेखा कहते हैं वो क्या है, उसको आप कभी खुर्दबीन से देखो तो मालूम पड़ेगा। एक रेखा खींच दो कागज पर काली काली और उसके बाद खुर्दबीन लगाओ तो आपको मालूम पड़ेगा देखने से, ये खुर्दबीन क्या, ये जो शीशा होता है जिससे हम लोग अक्षरों को बड़ा बड़ा करके पढ़ते हैं, हाँ, अरे भाई इसी शीशे से देखो, एक रेखा खींच दो और इसी शीशे से बड़ी करके देखो तो अलग अलग बिंदु दिखाई पड़ेंगे, और रेखा नहीं दिखाई पड़ेगी, अलग अलग बिंदु लगे हुए दिखाई पड़ेंगे। तो ये बिंदु में से रेखा और रेखा में से अक्षर, है ना, और फिर स्वर हैं ये, वर्ण हैं ये, मात्रा हैं ये, इनसे शब्द बनते हैं, इनसे वाक्य बनते हैं, उनमें से अर्थ निकलता है, ये सारा संकेत आचार्य से सीखना पड़ता है। तो ये जो हमने शिक्षा के द्वारा, ये नहीं समझना ये सब हमने, है ना, हृदय में से निकाला है, अपने कलेजे में से काढ़ काढ़ के रखा है, बोला ये नहीं समझना कि ये जा करके हमने वो प्रयोगशाला में अमेरिका या रूस की प्रयोगशाला में ये सीखा है कि ये रेखा कैसी होती है और ये अक्षर कैसे बनते हैं और ये शब्द कैसे बनते हैं, इसके लिए माता की पाठशाला, पिता की पाठशाला, आचार्य की पाठशाला यही काम देती है। क्योंकि श्रुति जो है, यथा मातृमान पितृवान, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, जो माता वाला होता है, पिता वाला होता है, आचार्य वाला होता है, वो इसको जानता है। अथवा तीन प्रकार की प्रामाणिकता और है, वेद स्मृति और शिष्ट पुरुष। वेदा स्मृति, श्रुति स्मृति, सदाचार, श्रुति स्मृति सदाचार, ये तीन प्रकार के प्रामाण्य और हैं, अथवा प्रत्यक्ष अनुमान और आगम। वेदो खिलो धर्म मूलम स्मृति शीले च तद वेदाम, और सदाचार आचारस्य साधु नाम आत्मनस्तुष्टि देव च। मनु जी ने बताया कि वेद श्रुति हो, श्रुति अपौरुषे वेद या, और जो अपने हृदय में स्मृति रह जाती है, सो स्मृति में कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, संकर्ष हो जाता है, इसलिए स्मृति को स्वतः प्रमाण नहीं मानते, स्मृति को परता प्रमाण मानते हैं। और श्रुति स्मृति के अनुसार शिष्टाचार, जो हमारे सत्पुरुष आचरण करते हैं, अथवा प्रत्यक्ष अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा, अनुमान बुद्धि के द्वारा, और दोनों के द्वारा अज्ञात अर्थ में जो आगम है, आगम है माने अनादि परंपरा से जो ज्ञान हमें प्राप्त है, वेद, इसको वेद बोलते हैं, वेद बोलते हैं। अथवा आगम शब्द का अर्थ, जो लोग वेद नहीं मानते हैं वो भी ये मानते हैं, जैसे जैन आगम, बौद्ध आगम, जैसे ईसाई के लिए बाइबल है, मुसलमान के लिए कुरान है,
है ना, बौद्धों के लिए बुद्ध के उपदेश हैं, त्रिपिटक हैं, जैनों के लिए जैसे जैनागम हैं, है ना। तो कुछ तो प्रत्यक्ष से देख करके, कुछ अनुमान से विचार करके, और कुछ धर्म के बारे में, स्वर्ग के बारे में, और अप्रत्यक्ष वस्तु के बारे में का कुछ शास्त्र के द्वारा ज्ञान प्राप्त किए जाता है। इनसे अपने अंतःकरण की शुद्धि होती है। और त्रिकर्म करे तो थोड़ा यज्ञ करना, अध्ययन करना और दान करना। तो इस ढंग से जो चलता है, तीन बार अग्नि का चयन करना, तीन आचार्यों, वेदादिकों अथवा प्रामाण्यों से सत्य को जानने की चेष्टा करना, और यज्ञ दान अध्ययन करना, इनसे मनुष्य जन्म मृत्यु का जो संतरण है उसके मार्ग पर चलता है। ब्रह्म यज्ञम देवमीडियम विदित्वा निजाज्ये माम शांतिमत्यंतमेति। ब्रह्मा से पैदा हुए जो देवता हैं, कौन? अग्नि देवता, ब्रह्मज देवता, इनको ब्रह्मज देवता बोलते हैं। और ज्ञान माने जानने वाले भी हैं, माने ज्ञान जितने प्रकार के ज्ञान विज्ञान हैं वो अग्नि की सहायता से प्राप्त होते हैं। वो ये जितने ज्ञान विज्ञान है, जला जला के लोग देखते हैं, आग में डाल डाल करके देखते हैं कि क्या बच रहता है, ये अनुमान लगाते हैं बुद्धि से। और वहां भी न चले तो बोल के पूछते हैं। देखिए एक दिन अंधेरे में बैठे, कोई आदमी आया तो आंख से नहीं पहचान में आया कि कौन है, तो उसके पांव की धमक से, है ना, पांव की धमक से या उसकी, है ना, उसकी शक्ल सूरत का थोड़ा अनुमान करके सोचने लगे कि ये कौन है। तो न तो आंख से दिखाई पड़ा और न तो बुद्धि से ठीक ठीक अनुमान में आया। तब आप क्या करेंगे, है ना, अब क्या उपाय करेंगे उसको जानने का? न आंख से दिखाई पड़ा और न बुद्धि से अनुमान हुआ, तो पूछा कौन है, है ना, बोल दिया, है ना। तो उसने कहा मैं अमुक हूँ, बस पता चल गया कि अमुक है। उसकी आवाज सुनाई पड़ी और उसने बोल दिया, मालूम पड़ गया। तो जहाँ सूर्य ज्योति काम नहीं करती है, जहाँ मनोज्योति काम नहीं करती है, वहाँ बाघ ज्योति काम करती है, वहाँ शब्द ज्योति काम करती है। तो जो सूर्य की रोशनी में दिखाई नहीं पड़ा, जो बुद्धि से जिसका अनुमान नहीं हुआ, उसका पता कैसे लगा? बोले आगम से, शब्द प्रामाण्य से, शब्द प्रामाण्य से उसका पता लगा। तो ब्रह्म माने हिरण, ब्रह्मा माने हिरण गर्भ, उनसे पैदा होने के कारण अग्नि का नाम ब्रह्मज है। और ये ज्ञाता भी हैं, सर्वज्ञ हैं, और सबको प्रकाशित करने वाले हैं। ज्ञान ऐश्वर्य आदि गुण से ये युक्त हैं। ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य और धर्म इनके अंदर हैं। ऐसे जो ईद्य स्तोत्य जो देवता अग्नि हैं, उनको आत्म भावेन निचाज्य, निचाज्य माने इसका बहुत, है ना, शंकराचार्य भगवान ने केवल एक शब्द का प्रयोग किया, आत्म भावेन जो सावग्नि सो सावहम। आत्म भावेन का अर्थ हुआ, है ना, ये जो अग्नि देवता है यही मैं हूं। आत्मभावेन, आत्मभावेन का क्या अर्थ हुआ? पृथ्वी के मूल में जल और जल के मूल में अग्नि, और अग्नि के साथ तादात में प्राप्त कर लिया। अब समझो सृष्टि के जितने शारीरिक संबंध हैं वो तो पृथ्वी के कारण हैं, और जितने स्वाद हैं वो जल के कारण हैं। संसार में जितना स्वाद है वो सब जल के कारण, भोग जितने होते हैं, जितने भी भोग होते हैं वो जल के कारण से होते हैं। और जितनी भी वस्तुएं होती हैं, स्त्री पुरुष पशु पक्षी होते हैं, है ना, खाने पीने की चीजें होती हैं, वो सब पृथ्वी के कारण होते हैं। ये पृथ्वी और जल से ही ये सारी सृष्टि बनती है। तो इनके मूल में कौन है? अग्नि। मैं इनका कारण हूँ, मैं इनका अग्नि हूँ। देखो कारण उपासना हो गई, तो उपासना कर्म और उपासना का समुच्चय हो गया। तो इसको जिसने आत्मभाव से ये जान लिया और साक्षात्कार कर लिया कि मैं अग्नि हूं, उसको शांति माने उपरामता की प्राप्त होती है। दुख जब मेरे पास आता है तो मुझ अग्नि स्वरूप में भस्म हो जाता है, और संसार के जब भोग आते हैं तब मुझ अग्नि स्वरूप में भस्म हो जाते हैं। ये संन्यास जिसको बोलते हैं ना, ये अग्नि रूप है, वो अग्नि रूप, ये लाल कपड़ा जो है ये अग्नि रूप है, बोला ये अग्नि रूप है। कब मैं अग्नि रूप हूँ, अग्नि रूप हूँ माने संसार का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो, है ना, जो हमको धर्षित कर सके।
तो जमराज ने उपदेश, ये मतलब ये है कि आदित्य, अग्नि और वायु, इन तीनों से विराट पद में जो मुख्यता होती है उसको ज्ञान और कर्म के समुच्चय के अनुष्ठान से जो इस विराट पद को प्राप्त कर लेता है, अग्नि होना माने विराट पद को प्राप्त कर लेना, विशेषण राजते थे, विराट पद को प्राप्त कर लेना। और इससे महाराज क्या हुआ कि यदि तत्व ज्ञान हो गया माने अपने को अद्वैत ब्रह्म जान लिया, तब तो हमेशा के लिए सच्ची मुक्ति मिल गई, और नहीं तो यहाँ से फिर अगर देहाभिमान की जागृति हो गई तो है तो ये भाव नहीं, है तो ये उपासना, तो फिर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। तो त्रिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्यसंध्यम् जो एवं विद्वांस चिनुते नाचिकेतम सौ मृत्युपाशान पुरतः प्रणोद्य शोकाति वो मोदते स्वर्गलोके एष ते अग्निर्नचिकेत स्वर्गो जमब्रीथा द्वितीय नरेण एतमग्निम तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासः तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीष्व। तो हे तीन बार अग्नि चयन करने वाले, इतना तो निश्चित है कि यदि तुमको अभी भी तत्व ज्ञान न हो तो ब्रह्मलोक में चले जाओगे और वहां जाकर के इस अग्नि के स्वरूप को तुम जानते हो, अग्नि चयन तुम्हारा हो ही गया, मृत्यु पास से मुक्त हो जाओगे संपूर्ण, और शोक से परे होकर के स्वर्ग लोक में आनंदित होगे। तो हे नचिकेत, ये जो अग्नि है ये स्वर्ग देने वाला है जिसको तुमने द्वितीय बार से मांगा। तो अब लोग संसार में जनासा, संसार के लोग इस अग्नि को नचिकेत अग्नि कह करके वर्णन करेंगे, अब नचिकेता तुम तीसरा वर जो है वो मांग लो। अब देखो यहां तक की जो बात थी वो ये थी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, पिता की सेवा शुश्रूषा कैसे करनी चाहिए, अग्नि की सेवा शुश्रूषा कैसे करनी चाहिए, अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन कैसे करना चाहिए, और निष्काम होकर वर्णाश्रम धर्म का पालन करने से कैसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, ये सब बात जो है अब तक बताई। परंतु ये आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं है, ये समझो माता पिता को प्रसन्न कर लेना और नारायण न्याय का पक्षपाती हो लेना है ना, और मृत्यु से निडर हो जाना अपनी भावना में, और विषय भोग का परित्याग कर देना 3 दिन तक है, और जमराज को अपना गुरु बना करके, इतने बड़े गुरु को बना करके, और लोक की परलोक की शिक्षा प्राप्त कर लेना, इतनी बड़ा बड़प्पन की पराकाष्ठा नहीं है, क्योंकि ये जितना ज्ञान हुआ वो पड़ोसी के बारे में हुआ, अभी अपने बारे में नहीं हुआ है ना। अभी ऐसी सास है ये जो दूसरे के बहू की बुराई जानती है बोला, और अपनी बहू की भी बुराई जानती है लेकिन अपनी बुराई नहीं जानती, ऐसी सास है ये बोला। तो ये विद्या ऐसी है जो दूसरे की बेटी की 1000 अच्छाई बुराई बतावे परंतु अपनी बेटी के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है, ऐसा। तो जैसे घरों में ऐसा होता है ना, जैसे घरों में ऐसा होता है कि लोग दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं परंतु अपने बारे में कुछ नहीं जानते, वही दोष दूसरे में हो तो मालूम हो और अपने में हो तो मालूम ना हो, है ना। ये जो है ना असल में आत्मज्ञान जो है ये सबसे बड़ा ज्ञान है, अपने को समझना। तो अब तक जितना ज्ञान बताया गया है ना, जो भी लौकिक विद्या पारलौकिक विद्या बताई गई वो अपने आत्मा के यथात्म्य का ज्ञान नहीं है, अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तो बात क्या हुई कि हम कर्म के करने वाले हैं, हमारे साथ क्रिया जुड़ी हुई है, हम इससे सुखी दुखी होते हैं, हमको ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, है ना। ये जो अपने साथ जुड़ा हुआ है, देखो भाई जब तक तुम कर्म करोगे जब तक उसमें अच्छा बुरा भी होगा, तो अच्छा होगा तो उसका फल सुख मिलेगा, बुरा काम करोगे तो उसका फल दुख मिलेगा, और अपने में कर्तापन रहेगा तो कर्म का फल जरूर जरूर मिलेगा। इसलिए आप अज्ञान के कारण ये जो संसार का बीज है
क्या बीज है? अपने को कर्ता मानना, अपने को भोक्ता मानना, और फिर ये करो और ये मत करो, इस विधि प्रतिषेध का विषय होना। ये जो संसार का बीज तुम्हारे साथ लगा हुआ है, अविचार स्वभाव दे वही जने अज्ञानम वर्तते, तुम कभी अपने बारे में विचार नहीं करते हो, इसलिए ये तुम्हारे साथ अज्ञान जुड़ा हुआ है और तुमको ये धकेल रहा है, कभी कुकर्म में, कभी सुकर्म में, कभी सुख में, कभी दुख में, कभी रोने में, कभी हंसने में। तो इसकी निवृत्ति के लिए कर्ता से विपरीत जो अकर्ता है, कर्म से विपरीत जो अकर्म है ना, और भोक्ता से विपरीत जो अभोक्ता है, जिसमें दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसा ब्रह्म और आत्मा की एकता का जो विज्ञान है, जिसमें न कर्म है, न कारक है, न फल है, इन सब का अध्यारोप है ही नहीं, उससे आत्यंतिक निश्रेष ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए अब आगे का प्रसंग प्रारंभ होता है। तो इससे ये बात बताइए कि पहला वर पाने से है ना, माता पिता सब प्रसन्न हो गए, न्याय हो गया, यज्ञ जागादि पूरा हो गया है ना, और नचिकेता जी गया, लेकिन इन सब होने से वो कृतार्थ नहीं हुआ। दूसरा वर अग्नि विद्या प्राप्त हुई, वो अपने को विश्व के मूल में स्थित अग्नि के रूप में अनुभव करने लगा, लेकिन तब भी नचिकेता कृतार्थ नहीं हुआ, क्योंकि जब तक तीसरा वर आत्मज्ञान उसको प्राप्त नहीं होगा, तब तक वो कृतार्थ नहीं होगा। ये बात इस कथा में बताई गई है। इसलिए जो कुछ कर्म से मिलता है साध्य और साधन, वो अनित्य है, उससे जो वैराग्यवान होता है उसको आत्मज्ञान का अधिकार होता है। इसलिए अनात्मा की निंदा करने के लिए जो अनित्य है, जिससे विरक्त होना चाहिए, उसका दोष बताने के लिए अब आगे जब आत्मज्ञान का वर मांगते हैं नचिकेता, तब जमराज कहते हैं कि ये चीज बड़ी दुर्लभ है, अरे ले ले बेटा, ले ले बेटा, हैं? सौ सौ बरस के बेटे और सौ सौ बरस के हम पौत्र तुमको देते हैं, लो हाथी, लो घोड़ा, लो पशु, लो सोना, लो बड़ा भारी राज्य ले लो, और तुम सैकड़ों बरस की उम्र ले लो, और इसके बराबर यदि दुनिया में तुम कुछ भी समझते हो तो ले लो, हम तुमको सब देने को तैयार हैं, दुर्लभ से दुर्लभ कामना, परंतु आत्मज्ञान का वर मत मांगो, है ना, जमराज ने नचिकेता से ऐसे कहा। तो ये आख्यायिका जो आने वाली है, देखो आज तो साधु लोग जो है ना, वो शहर में जाते हैं, है ना, नोटिस छपवाते हैं, अखबार में छपवाते हैं, हम आए हैं तुम्हारे शहर में, है ना, डौंडी पिटवाते हैं, लाउड स्पीकर लगाते हैं, न आवे तो लोगों के पास टेलीफोन करें, कर सेठ जी जरा सत्संग में आया करो, है ना, सेठ जी के बिना सत्संग सूना लगता है, हाय हाय, है ना, ये गति आजकल तो बाबा जी लोगों की ये गति है ना, कि वो तो कहते हैं कि लो ब्रह्म ज्ञान, लो ब्रह्म ज्ञान, और पहले ये स्थिति थी, है ना, कि महाराज कोई कहे कि हमको ब्रह्म ज्ञान दो, है ना, तो कहते थे और तुम्हें जो चाहिए सो मांग लो, लेकिन बाबा ये ब्रह्म ज्ञान जो है ये कोई मामूली चीज नहीं है, इसकी कीमत, है ना, पहले के आचार्य इसकी कीमत समझते थे, बता आजकल के लोग न, लोग समझते हैं इसकी कीमत, तो समझते हैं कि भाई खा पी के इस समय जरा मच्छा वाय पी चुके हैं, जलपान हो चुका है ना, अभी व्यापार का काम कोई इस समय नहीं है, अगर इतने टाइम में ब्रह्म ज्ञान हो जाए तो इसमें क्या हर्ज है, एक फायदा ये भी सही, और सब फायदा तो अपनी मुट्ठी में है ही, आओ एक फायदा ये भी उठा लें, है ना। एक श्रीमती जी हो, श्रीमती जी थी, तो उनका वजन कुछ बहुत ज्यादा था, तो वो गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर प्राकृत चिकित्सक था, उसने कहा कि देखो सब्जी खाओ, फल खाओ, सब्जी खाओ, तब तुम्हारा वजन घटेगा, बता दिया। तो उसने लिख दिया कि इतना तो पत्ते की सब्जी खाना, और इतना कचूमर खाना, और इतना इतना ये खाना, इतना वो खाना, सब बता दिया उनको, दिन भर का उनको चार्ट बना के दे दिया, ले जाओ घर पे। अब वो गई तो उन्होंने अपने नौकर को दे दिया,
तो नौकर ने ठीक समय से सब चीज खाने वाने को दी उनको, सब्जी खा चुकी, फल खा चुकी। अब एक डेढ़ बज गए तो उन्होंने नौकर से कहा कि हमारी थाली ले आओ, है ना। तो थाली भी आई, जैसे रोज भोजन कर इतने वजह भोजन किया। अब एक महीना हो गया, डॉक्टर के कहे अनुसार खाते, वजन तो घटे नहीं और बढ़ गया। फिर डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर तुमने जो कहा सो सब मैंने खाया, लेकिन मेरा वजन, है ना, मेरा वजन घटा नहीं। तो बोले कि भाई बात क्या है, पता लगाया खूब जिरह की तो मालूम पड़ा, है ना, मालूम पड़ा कि जो रोज भोजन करती थी श्रीमती जी वो तो चालू ही था, वो डॉक्टर की बस का बताया हुआ भोजन तो औषधि के रूप में लेती थी, है ना, वो तो दवा की तरह लेती थी, तो वजन घटा नहीं उनका, है ना। तो ये महाराज, है ना, ये संसार का जो भोग है उसकी तो रोज की आदत है, वो तो किए बिना मानेंगे नहीं, है ना, वो तो सब कुछ चाहिए ही चाहिए। कहिए ब्रह्म ज्ञान क्या है, कहिए तो डॉक्टर की बताई हुई सब्जी है, बोला तो ये तो डॉक्टर की बताई हुई सब्जी है, इसको भी लो। बोले ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, है ना, ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ। अरे भाई, ब्रह्म ज्ञान होना न होना जो है, देखो ये नचिकेता की लीला आगे आने वाली है। नारायण वो प्रश्न करता है, नचिकेता का प्रश्न कोई बहुत बड़ा नहीं है। जेयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्तित्ये के नायम अस्तित्ये अन्ये चैके एतद् विद्या मनुशिष्टत्वयाहम् प्राणामेष वरस्तृतीया। मृत्यु के अनंतर आत्मा का अस्तित्व है कि नहीं है, प्रश्न ये है। और ये कहते हैं कि ये बात हम नहीं बतावेंगे, बड़े बड़े देवताओं को ये मालूम नहीं है, है ना। तो अब ये जो प्रसंग है प्रश्नोत्तर, कितनी दृढ़ता है नचिकेता में और कितना वैराग्य है ना, और ब्रह्म ज्ञान की कितनी तीव्र जिज्ञासा है, ये तीनों बात अगले प्रसंग में आती है। और फिर नारायण जमराज जो हैं उसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करते हैं। अब ये प्रसंग आगे आवेगा।